नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीसीएस 2023 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 14 मई को संपन्न हो चुका है और आयोग की तरफ से एक ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी गई है। उस आंसर की में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, जिनके आंसर एक्चुअली आंसर से अलग हैं। ठीक है, तो अब रिवाइज आंसर की में वो सुधारा जा सकता है अगर लोगों ने उसको ऑब्जेक्शन दिया तो। आइए हम देख लेते हैं एक्चुअली में कितना कट ऑफ जा सकता है यूपीपीसीएस 2023 का। इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो कितनी हैं, 173। ये फरवरी में था, फेब में, जब ये वैकेंसी का जो अध्यक्ष जो वैकेंसी पोस्ट आई थी तब का है। ठीक है, अब ये बढ़ के लगभग 350 से 400 के आसपास पहुंच जाएंगी। एनटी की 105 पोस्ट, ये सब मिला के लगभग ये 350 से 400 पहुंच जाएंगे पोस्ट, क्योंकि ये पेपर टफ, मॉडरेट से टफ की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ भी है वो डाउन ही जाएगी। पोस्ट भले ही कम हो पर ये पेपर इजी किसी भी कीमत पे नहीं था, टफ था। और आंसर की जारी होने के बाद और भी इसमें लोगों के नंबर बहुत डिक्रीज हो गए, तो मेरे हिसाब से जो यूआर का जो जाएगी कट ऑफ वो 84 क्वेश्चन अराउंड। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस का है 85 के अराउंड, ओबीसी का 83 के अराउंड, एससी का 71 से 72 के अराउंड, और एसटी का 65 से 67 के अराउंड, इतना कट ऑफ जाने की उम्मीद है एसटी की। ठीक है, एसटी के 65 से 70 के अराउंड, फीमेल का जाएगा 80 क्वेश्चन के अराउंड। ओके, फीमेल का 80 क्वेश्चन के अराउंड जाने की उम्मीद है।